अनादर मत हो ना, मुझे एक शेर आता है आपको देख करके, मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाने नहीं आता, अरह के बनारस में पान खाने नहीं आता। अरे से कोई आपको कोई ढंग है आप? मैं जोशी जी से पूछना चाहता हूँ कि मरुआ बोया जाता है कि रोपा जाता है, हमको समझ मैं बता दीजिए। आप बैठे ना हुकुमदेव जी, हुकुमदेव जी आप हमारे समझी हैं, आप नहीं बोलिए, मैं इनसे पूछता हूँ। नहीं है, आप मेरे चचेरे भाई के ससुर हैं। ठीक है ससुर। अच्छा कुछ भी है ना, इधर से उधर गए। जोशी जी आज नौजवानों को किसानों को पढ़ा रहे हैं, एफडीआई पर बोल रहा हूँ। जब आप मंत्री थे तो ज्योतिष की पढ़ाई पढ़ा रहे थे, देश को कहाँ ले जा रहे थे मैडम? जो हाई हील जूता, हाई हील लेडीज हाई हील वाला, और बाटा का जूता, जो भी जूता, पाकिस्तान से जूता, अमेरिका का जूता और चप्पल जो पैर के नीचे हम रखते हैं, वो कहाँ बिक रहा है? मॉल में और एयर कंडीशन में। आज जो हम खाते हैं पीते हैं, जिनको आप अन्नपूर्णा कहते हैं, मांस है, मछली है, अंडा है, चावल है, दाल है, सब्जी है, बैगन है, गोभी है, फुटपाथ पर है। आप पिसा हुआ मसाला खाते हैं, हम बिना पिसा हुआ खारा मसाला लाके पीसते हैं। आज देश के 34% खेती पर, किसान खेती करना छोड़ दिया है, मात्र 34% पर खेती हो रही है। क्यों हो रही है? किसानों के खेती का, उसका प्रोड्यूस का कोई लेने वाला नहीं है, दाम नहीं मिल रहा है, और 100% खेती हमारी सबकी चौपट हो रही है। पैसा आएगा किसानों से सीधा, बिचौलिया खत्म होंगे, और जब कोई राज पर बाध्यता है ही नहीं, कंपल्शन है ही नहीं एफडीआई का, आप कोई भी डिटेल दुकान क्या सुनने बोलने दीजिए भाई। भारत बंद में आप बोल रहे थे, भारत बंद में आप लोग बोल रहे थे जिलेबी नहीं बिकेगा, चाय नहीं बिकेगा, मारेगा पीटेगा, कहीं भी रिटेल पर, रिटेल दुकानदारों पर कहीं भी कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई भी बेचेगा, एक सा किस्म का मछली बिकेगा। अब मुलायम सिंह यादव जी के यहाँ यूपी में मॉल है, वो वॉलमार्ट क्या बोलते, वॉलमार्ट, बिग बाजार, सब जगह बिग बाजार। ये जो दुकान खुलेगा, सिवल जी बोल नहीं पाए ढंग से जो रखना चाहते थे, इसको आप गलत, है हमारे वकील थे, हमारे बिना आप सिवल जी ने यह भाषण कल किया, आम आदमी नहीं, आम आदमी नहीं, आम आदमी नहीं, आम आदमी नहीं, मोटरसाइकिल वाला, फलाना वाला। अरे दिल्ली शहर में नहीं खुलेगा ये, दूर जहां लाखों स्क्वायर फीट जमीन मिलेगा, वहां दुनिया का, अपने देश का साग सब्जी मछली मांस, वो कॉफी जो दीदी पीती हो ना, नेस्केफ, नेस्केफ कॉफी,
ईश्वर हर देश का कॉफी रखा रहेगा, गहना गुड़िया इंटरटेनमेंट, लेना है तो लो और नहीं लेना है तो मतलब तुम्हारी मर्जी, जहाँ से लेना आप लीजिए। तो कोई कंपल्सन नहीं है, कोई रोक नहीं है, आप ज्यादा बहादुर मत बनिए। अगर देश के किसान, हमारा रिटेल वाला कोई दुकानदार, अगर जिस दिन हम लोग देखेंगे कि कोई खतरा आया तो एंटी अगर हुआ तो हम सारे दुकान में राष्ट्रीय जनता दल आग लगा के खत्म कर देंगे। आप ज्यादा गुमराह मत करिए, बात सुनिए, लाठी लेकर चलते हैं। देश के नहीं देगा, ये लोग बोलना ही नहीं देंगे। मैडम रुकाइए, इनको बोलने दीजिए, हम नहीं बोले। ठीक है, अब आप समाप्त भी करिए। मैडम अब समाप्त भी करिए। क्या सैनिक हो तुम? ठीक है आप बोलिए ना, आपका मैडम और जल्दी भी बोलिए। पूंजी आगा और 100% किसान खेती करेगा अपने खेतों पर, पैदावार बढ़ेगा। और जो मॉल है, जो आगे दुकान खुलेगा, उसमें काम करने वाले मजदूरों को उसके नौकरी की गारंटी रहेगी। गारंटी नहीं रहेगी, पेंशन मिलेगा, रोजी रोजगार मिलेगा। और ये उसी तरह से ये लागू कर दिए और ये लोग लागू करने में फेल हो गए हैं, इसलिए इनको तकलीफ है, इसलिए ये बोलने नहीं देना चाहता है। निष्खेपे पीने वालों, पूछो आडवाणी जी से ट्विटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं आप, ट्विटर का, SMS का, ट्विटर। आडवाणी जी ने ट्विटर पर बोला, ये विदेशी नहीं है क्या? यहाँ पर विरोध करना है, विरोध करना है, किधर का विरोध करना है? हमारा दल और हम 100% सरकार का रिफंड का जो आया है उसका हम सपोर्ट करते हैं, वोट भी करेंगे। और देश के किसानों को, हम देश के मजदूरों को, देश के नौजवानों को हम अपील करते हैं कि बीजेपी के झांसा में मत आना, ये देश को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। चलिए।